गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाँ अंकुर, क्यों पूछ रहे हैं? एक दो वीक और रुको, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर देंगे। चलिए, कल चार सलाह किए थे, उसका थोड़ा फॉर्मूला देख लीजिए था आप लोग।
बना कर देखे तुम? क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बना ली सब लोग? गैसेस स्टेट चल रहा है बेटा, चलिए देखा जाए। क्वेश्चन में है, गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस है 300 केल्विन, पर पहले ये 300 केल्विन पर है और इनिशियल वॉल्यूम और भी है, बाद का वॉल्यूम भी इनिशियल वॉल्यूम का भी बाई 3 वॉल्यूम। टेम्परेचर में परसेंट चेंज कितना होगा हम लोग सीखे हैं फ्रॉम चौथ लॉ, V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। V1 के जगह पर भी बाई 300 केल्विन, V2 के जगह पर भी बाई 3 इनटू टेम्परेचर, जो हमें पता करना, भी से भी कैंसिल हो गया,
और 3 से T2 आपका हो गया 100 केल्विन, परसेंट चेंज कितना हो जाता है फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100। फाइनल कितना है मैग्नीट्यूड 300 माइनस 100 बाय 300 इनटू 100 200 बाय 3 यानी कि 66.67% इतना आपको चेंज हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। एक क्वेश्चन और लिखिए आप, एन ओपन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम वी कंटेन्स एयर एट 300 केल्विन। The container is heated to such a temperature so that amount of gas coming out is 2/3 of amount of gas initially present in the container D, amount of gas finally remaining in the container find the temperature to which the container should be heated। देखिए तो करके
और कोई? चलिए देखा जाए, पहले मैं ए बनाकर दिखाता हूं। एन ओपन कंटेनर है, मतलब कंटेनर आपका ओपन है। वॉल्यूम ही है और इसमें एयर है बेटा 300 केल्विन, लेकिन इसको हीट किया जाता है। तो हीट करने से बर्तन जो कंटेनर है उसका साइज तो चेंज करेगा नहीं, हीट करने से उसके अंदर में गैस जो है उसका साइज चेंज करेगी। तो हीट करने के बाद भी कंटेनर का मेरा साइज वही रह जाएगा, लेकिन इसके अंदर रखा हुआ जो गैस है वो फैलेगा। मान लेते हैं मेरा गैस फैलकर ऐसे मेरा गैस फैल करके ऐसे लिखा है हीटेड टू सच ए टेम्परेचर, एक ऐसे टेम्परेचर तक इसको हीट करते हैं सो दैट अमाउंट ऑफ गैस कमिंग आउट, यही है गैस कमिंग आउट, यहां से लेकर यहां तक यही है गैस कमिंग आउट, यही है वो गैस जो बाहर है। अमाउंट ऑफ गैस कमिंग आउट is 2/3 of amount of gas initially present in the container, यानी कि initially जितना भी गैस था उसका 2/3 ये amount of gas initially present in the container, amount of gas coming out यानी जो बाहर आएगा वो 2/3 है of the amount of gas initially present in the container, यानी पूरे का 2/3 बाहर आ गया तो अंदर कितना रहेगा बेटा 1/3 रहेगा। बाहर 2/3 है तो अंदर कितना रहेगा गैस 2/3 रहेगा, बाहर तो अंदर कितना 1/3 रहेगा। अब देखिए जिस टेम्परेचर पर ये गैस है उसी टेम्परेचर पर ये भी गैस है, ठीक है। ये भी वॉल्यूम है, आप देख सकते हैं ये कंटेनर का वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है और इसका दुगना ये है, तो ये असल में 2 भी वॉल्यूम हो जाना चाहिए। और पूरा यहां से लेकर यहां तक अगर गैस का वॉल्यूम कहें तो 3 वॉल्यूम हो जाना चाहिए, भी प्लस 2 भी 3 भी बराबर होना चाहिए। इसलिए चार सलाह से V1/T1 V2/T2 लगा देते हैं, तो V1 कितना हो जाएगा ही लीटर, T1 कितना हो जाएगा 300 केल्विन, V2 कितना हो जाएगा 3 ही,
एंड टी टू कितना होगा, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड। यहां से टी हो जाएगा 3 × 300 यानी कि 900 केल्विन। सौम्या का करेक्ट है, शिवम का करेक्ट है, आध्या आपका मिस्टेक है। चलिए किसी को डाउट हो पूछिए, समझिए और इसका बी पार्ट आप अटेम्प्ट लीजिए, क्योंकि गलती तो कईयों से हुआ है, इसका बी पार्ट आप अटेम्प्ट लीजिए। चलिए इसका सेकंड पार्ट बनाइए सब लोग। चलिए इसका बी पार्ट देखा जाए। बी पार्ट में अमाउंट ऑफ गैस कमिंग आउट इज 2/3 ऑफ अमाउंट ऑफ गैस फाइनली रिमेनिंग इन द कंटेनर। अमाउंट ऑफ गैस यहां जितना भी है उसका 2/3 यहां रहेगा।
यहां अगर यूनिट है तो उसका 2/3 यहां, तो यहां अगर भी वॉल्यूम है तो यहां 2/3 भी होना चाहिए। इसलिए चूंकि सेम टेम्परेचर पर सारा चीज है, यूनिट का भी तो 2/3 का 2/2, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस कंबाइन कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम ठीक है कितना ये आता है, ये आता है आपको 2/3 भी प्लस भी 5V/3। अब लगाइए V1/T1 V2/T2, इनिशियली वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर 300, फाइनल वॉल्यूम 5V/3 है और टेम्परेचर आपको T2, भी से भी कैंसिल 100, T2 इज 500। T2 कितना है आपको 500 केल्विन। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, वो इससे भी टफ है और वो आप घर में बनाएंगे, कल उसको मैं डिस्कस करूंगा ठीक, लिख लीजिए आप बस। आप लोगों को मैंने असाइनमेंट बनाने के लिए भेजा है, आप लोगों को मैंने असाइनमेंट बनाने के लिए भेजा है मोल कॉन्सेप्ट का, उसको बनाना शुरू करिए। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, ये CW नहीं है, ये HW। एन ओपन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम थ्री लीटर कंटेन्स एयर एट 1 atmospheric प्रेशर। दी कंटेनर इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू T केल्विन। दी amount of gas coming down expelled from the container measure 1.45 liter at 17 degree Celsius and 180. Find temperature P. फाइंड टेम्परेचर टी।
इस क्वेश्चन को नोट कर लिए, ये आपका एच डब्ल्यू है। आपको पिछला चैप्टर में बहुत सारा पढ़ाया गया पार्ट का क्वेश्चन बाकी रह गया था, खास करके रिएक्शन, लिमिटिंग रिएजेंट, परसेंट यील्ड, सीक्वेंशियल रिएक्शन, इन सब का बाकी रह गया था। उसका असाइनमेंट मैं आपको भेज चुका हूँ, व्हाट्सएप कर चुका हूँ, आप उसमें धीरे धीरे बनाना शुरू करिए। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग डेली डिस्कस करेंगे क्लास। नोट कर लिए होंगे तो बताइए। नोट कर लिए तो बताइए। कल मैं आपको कह रहा था गुब्बारा का सैर आप लोग किए हो कि नहीं, तो गुब्बारे के बारे में आपको पढ़ना स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। पेलोड ऑफ अ बलून, पेलोड ऑफ अ बलून, पेलोड क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए आपका बलून, ये बहुत बड़ा बलून होता है, ये हम जैसे जैसे चार पांच लोगों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जा सकते, उतने बड़े बलून की बात की जा रही है, ठीक है? तो ये बलून होता है और ये लोड को उठाता है, ठीक है? ये ऊपर की ओर मूव करता है और लोड को ये उठाता है, ठीक है? इसी को हम लोग मैक्सिमम कितना ये लोड को उठा सकता है, कोई गिवन बलून मैक्सिमम कितने लोड को उठा सकता है, यही उसका पेलोड कैपेसिटी होता है। तो लिखेंगे इट इज द मैक्सिमम मास दैट कैन बी lifted, it is the maximum mass that can be lifted by the balloon। आपको समझ में आ गया होगा कि पे लोड करते किसी का अब कैसे उठा लेता है, ये सारा चीज अभी आपको पढ़ना है अभी, ठीक है? कैसे उठा लेता है ये सारा चीज आपको पढ़ना है। आप लोग को इसको सीखने के लिए एक आर्किमिडीज का प्रिंसिपल सीखना होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक सीखना होगा।
आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, यही है ऑब्जेक्ट हमारा, और ये एक मीडियम में डुबाया गया है, मीडियम कैन बी लिक्विड और गैस, मीडियम कैन बी लिक्विड और गैस। इसको समझने के पहले मैं आपको थोड़ा सा फील कराना चाहता हूं। हम लोग आजकल अपने घरों में शावर से नहाते हैं, पुराने जमाने में बाल्टी और लोटा से नहाते थे लोग। बाल्टी में पानी भर लीजिए और उसमें लोटा को उल्टा करके और ऐसे रखिए और उसको पुश करने की कोशिश करिए नीचे, आपको पता चलेगा कि उस लोटे को नीचे से कोई ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है। उस लोटे को उस पानी के अंदर में नीचे ले जाने में आपको अच्छा खासा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ सकती है, आपको अच्छा खासा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ सकती है। है कि नहीं, ये चीज तो आप लोग भी जानते हैं, ये चीज तो आप लोग भी जानते हैं। इसी को हम लोग फोर्स ऑफ बायंसी करते हैं। क्या करते हैं इसको? फोर्स ऑफ बायंसी करते हैं। मैं उस डायग्राम को भी बना दे रहा हूं। फिल्ड विथ वाटर, इसको जब हम ऊपर से पुश करते हैं, ठीक है, तो ऐसा महसूस होता है कि नीचे से एक फोर्स लग रहा हो, उसको कोई नीचे से धकेलने की कोशिश कर रहा होता है। इसी को कहते हैं फोर्स ऑफ बायंसी और बायंड फोर्स, फोर्स ऑफ बायंसी और बायंड फोर्स। सवाल ये उठता है, कि ये फोर्स कितना मैग्नीट्यूड का इसके ऊपर लगेगा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ बी, कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स इसके ऊपर लगेगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ये आपको कैसे डिसाइड होगा। इसी का प्रिंसिपल एक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसी का एक प्रिंसिपल है जिसको क्या कहा गया है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, ये तो आपने माना कि हाँ सही बात है, इस लोटे को पानी में डुबा करके जिस पर ऊपर से पुश करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि इस लोटे को कोई ऊपर की ओर धकेल, लेकिन ऊपर की ओर कितना उस पर फोर्स लग रहा है, इसी का फोर्स ऑफ बायंसी या बायंट फोर्स कहते हैं। ये कैसे डिसाइड होगा, तो इस पर रिसर्च करके आर्किमिडीज करके साइंटिस्ट है जिन्होंने रिसर्च करके दिया, और यही रिसर्च हमें पढ़ना है, इसी रिसर्च को हमें डिटेल में सीखना है। क्या सीखना है उस, ये देखिए इसमें लिखना है फोर्स ऑफ बायंसी इज इक्वल टू the weight of the liquid or air displaced by the object. इन्होंने रिसर्च किया इस पर और इन्होंने पाया कि फोर्स ऑफ बायंसी का कितना मैग्नीट्यूड होता है। उन्होंने पाया
कि जैसे ये लोटे को आप इसके अंदर में डुबाए तो लोटा जितना पार्ट में डूबा है उसके वॉल्यूम के बराबर, लोटे के वॉल्यूम के बराबर यहां पर का पानी जो है वो कहीं दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाता। तो यहां पर का पानी जो भी मौजूद था, इस लोटे के वॉल्यूम के बराबर पानी जो भी यहां पहले मौजूद था वो यहां से हट गया और तब लोटा वहां पर आया। तो उस वॉल्यूम ऑफ वाटर जो यहां से डिस्प्लेस किया गया है उसका वेट क्या है, उसी वेट के बराबर इस लोटे के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगता है, इसी को हम लोग फोर्स ऑफ बायंसी कहते हैं। इसी को क्या करते हैं हम लोग, फोर्स ऑफ बायंसी कहते हैं। मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। कैसे ये प्रिंसिपल कहता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी मीडियम में डुबाते हैं तो ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है। इस फोर्स को फोर्स ऑफ बायंसी कहते हैं। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, तो ये लोटे आने पर जितने वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस किया उस वॉल्यूम ऑफ वाटर का जो वेट होता है उसकी वेट के बराबर ही इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग जाता है। और इसी को लिखा गया फोर्स ऑफ बायंसी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड और एयर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और यही केस वैलिड होता है गुब्बारे के केस में। गुब्बारा जब एयर में रखा जाता है, ये बड़ा बड़ा गुब्बारा होता है, हमारे घर इतना बड़ा गुब्बारा होता है, ये बड़ा बड़ा गुब्बारा जब हवा में तैरने लगता है, तो इस पर जो एयर मतलब जहां पर भी ये मौजूद रहेगा वहां पर अपने वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर को डिस्प्लेस करेगा, यानी कि इसके ऊपर डिस्प्लेस्ड एयर के वॉल्यूम के वेट के बराबर अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगने लगता है और वो इसको उठा करके हवा में रखता है। इसी को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ बायंसी। क्या कहते हैं इसको हम लोग, फोर्स ऑफ बायंसी या बायंट फोर्स कहते हैं। पहले इतने को आप नोट करिए, बाकी फिर मैं आपको डेरिवेशन दिखा रहा हूं। बलून वाला मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी लोटे वाले आप खाली कंप्लीट कर लीजिए, बलून वाला अभी पूरा चलेगा डिटेल में, ठीक है। बलून वाला मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया हूं, जस्ट मैं रिलेट कर रहा था, मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा फिर से। नोट कर लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, केवल आप नोट करिए, ये वाला आप नोट करिए, ये पढ़ना नहीं है, मैं बैकअप दे रहा हूं। लैंडन फोर्स ये सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में समझ में आएगा, बॉन्डिंग का पार्ट अंकुर।
आप कोई चीज जबरदस्ती आम कैसे पढ़ा दे, समझने के लिए लॉजिक भी तो चाहिए, बैकग्राउंड भी तो चाहिए, वो बॉन्डिंग से आता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप नोट कर लिए, ठीक है। चलिए देखिए बलून का कहानी। ये गुब्बारा क्या होता है, चारों तरफ एयर से घिरा होता है। तो ये गुब्बारा जब फूला हुआ नहीं था तो यहां पर एयर था, लेकिन गुब्बारे को जब फुला लिया गया तो अब ये गुब्बारे ने जगह इतना सा घेर लिया। अब गुब्बारा जब इतना स्पेस घेर लिया है तो यहां पर मौजूद जो एयर था वो कहीं चला गया होगा, इस वॉल्यूम के बराबर एयर यहां से कहीं चला गया होगा, वो एयर का जो वेट होगा उतने के बराबर इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ बायंसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फोर्स ऑफ बायंसी कहते हैं। प्रियांशु समझ में आ गया, प्रियांशु ठीक है। और इसी सब चीज को कैलकुलेशन हम लोगों को करना है, इन्हीं सब का कैलकुलेशन करना है। और ये जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है ये हम तुम हो जब इस पर बैठोगे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े कंट्रीज में टूरिज्म जहां पर ज्यादा है वहां कई तरह के एडवेंचरस जर्नी कराए जाते हैं। आप लोग एक मूवी देखे होंगे जल्दी में जिसमें हेलीकॉप्टर पर चढ़ा करके और कुदाया जाता है, मतलब ऐसा होगा आपको कि मिनी एरोप्लेन होगा, उस पर लोगों को बैठा दिया जाता है, पैराशूट वगैरह बांध दिया जाता है, कुछ ब्रीफ ट्रेनिंग दे दिया जाता है और उसके बाद उनको ऊंचाई पर ले जाकर के और उनको छोड़ दिया जाता है, हवाई जहाज से नीचे कुदा दिया जाता है। और जब वो नीचे गिर रहे होते हैं तो उनको बता दिया जाता है कि जब आप इतना हाइट पर पहुंचोगे तो बटन आप चाप दियो और पैराशूट आपका खुल जाएगा और बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस आपको आएगा, ठीक है। ये आपको है हवाई जहाज का कॉन्सेप्ट जो अभी जल्दी एक बॉलीवुड के मूवी में भी दिखाया गया था। इसी तरह से कई कंट्रीज में ये जो मैं अभी डायग्राम बनाया हूं इस तरह का जर्नी भी कराया जाता है। इसमें करता ये लोग ये है कि जैसे मान लो कोई एक बहुत बड़ा इलाका है जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बीच में प्लानर जगह है, ठीक है। ऐसा कुछ मान लो एक बहुत बड़ा जगह है जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, समझाने के लिए बस कह रहे हैं, ठीक है। वो लोग देख लेता है कि आज हवा इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है तो करेगा क्या वो लोग कि आज यहां पर कैंप लगा देगा। अब जितने भी टूरिस्ट होंगे उनको यहां पर बैठाएगा, जितने भी टूरिस्ट होंगे उनको यहां पर बैठाएगा और यहां पर बैठाने के बाद ये पहाड़ी है और ये वाला प्लेनर सरफेस, यहां पर उनको इसी तरह की गुब्बारा जो बहुत बड़ा गुब्बारा है उसमें नीचे में खड़ा होने के लिए जगह बना होता है, उसमें चार पांच लोगों को खड़ा करके और छोड़ दिया जाता है। जब उनको छोड़ दिया जाता है तो ये जमीन से उठ जाता है और हवा के साथ ड्रैग होते होते कुछ इधर आता है या कहीं बीच में ही गिर जाता है। तो यहां से यहां तक जो ट्रैवलिंग आपने किया ये काफी ही इंजॉयबल होता है, ठीक है। और इसी के लिए आपको वो पैसे लेते हैं। ऐसे कई कंट्रीज में है डिस्कवरी चैनल ये सब जब आप देखते रहोगे तो उसमें ये सब चीज आपको दिखाया जाते रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज भी आपको करने हैं। इसका एक पार्ट आपको पढ़ना है कि बलून मैक्सिमम कितने लोड को उठा सकता है, ये आपको इस चैप्टर के सिलेबस में दिया गया। और एनसीईआरटी में भी थ्योरी में नहीं दिखे ये लोग, बल्कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन में ये लोग दो क्वेश्चन दिए, तो थ्योरी में एनसीईआरटी नहीं दिया है लेकिन क्वेश्चन में दो क्वेश्चन इससे दिया है। अरे ये सब बहुत पैसा लेता है। मान लो कि इंडियन करेंसी में पर हेड कम से कम 2 से 5 हजार रुपए के बीच मिलेगा, इन सब के चार्जेज बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन व्यवस्था भी वो लोग बहुत अच्छा रखता है। मान लीजिए कि आपको बलून गुब्बारा को छोड़ा
और गुब्बारा छोड़ने के बाद वो अनकंट्रोल्ड हो गए, तो उनके पास रेडी तुरंत हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वो तुरंत आपको पास जाकर कंट्रोल कर लेंगे आपको। चलिए अब हम काम की बात करें, कैलकुलेशन सीखें। लेट बी, लेट वीबी इज द वॉल्यूम ऑफ बलून, रो एयर इज द डेंसिटी ऑफ एयर, रो गैस। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि गुब्बारे के अंदर में हल्का लाइट गैस भरना चाहिए, लाइट गैस भरना चाहिए। और क्यों भरना चाहिए, ये आज आपका डेरिवेशन में भी आ जाएगा कि क्यों भरना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इंडिया में भी इस तरह का मैकेनिज्म कई बार यूज होता है। आपको याद है जब हमारे कल्चर में जब शादी ब्याह होने लगता है तो खास करके बारात के दिन कई हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून जैसा कुछ छोड़ा जाता है। आप देखते होंगे कि एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में ऊपर से कुछ इस तरह से डोम जैसा बना होता है, ऊपर से कुछ आपको डोम जैसा बना होता है और नीचे कुछ आग लगा दिया जाता है चुपके से, और आग लगाने के बाद वो धीरे धीरे गैस बांधता है और वो हवा में उड़ता है और उड़ करके पहले ऊंचाई को पाता है और फिर एयर के साथ ड्रैग होकर के एक जगह से दूसरी जगह जाने लगता है। और ऐसे ऐसे कई मेला वगैरह में भी, छठ वगैरह के दिन में भी इस तरह के हॉट एयर बलून जैसे कुछ, समझिए कि इस तरह का चीज आग लगा कर जो छोड़ा जाता है, वो देखे हैं आप लोग इस तरह का चीज? मैंने तो बहुत बार देखा है, आपने देखा है क्या? उसका नाम एग्जैक्टली मैं अभी नहीं रिकॉल कर पा रहा हूं, कांडील बोलते हैं हो सकता है, मैं नाम नहीं जानता हूं बाबू, तो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता। ओके, कांडील बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं, काम की बात करें, ठीक है। तो इस तरीके से एयर है, इस बलून के चारों तरफ जो एयर है उसका डेंसिटी, और इसके अंदर जो गैस भरते हो उसका डेंसिटी है रो गैस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस। एम इज द पेलोड, मतलब एम इज द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी लिफ्टेड बाय द बलून। एम को हम लोग लिख सकते हैं पेलोड, और पेलोड का डेफिनेशन ऑलरेडी ऊपर में लिखा हुआ है, पेलोड का डेफिनेशन ऑलरेडी ऊपर में लिखा हुआ है कि इट इज द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी लिफ्टेड बाय द बलून, ठीक है। अब हम लोग फोर्सेस को थोड़ा देखते हैं, कौन कहां फोर्स लगेगी। देखो बेटा, ये जो आपको एम है इसकी वजह से नीचे की ओर mg लगेगा, इसका लोड। दूसरा, गैस और गुब्बारा जो इन दोनों पर भी नीचे की ओर लोड लगेगा, इसको कहेंगे मास ऑफ रबर प्लस मास ऑफ गैस इनटू g। क्या कहेंगे इसको? मास ऑफ रबर प्लस मास ऑफ गैस इनटू g, मास ऑफ रबर प्लस मास ऑफ गैस इंटू जी, ये दोनों ही आपको नीचे की ओर लगे। कोई कंफ्यूजन?
तो नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स किस किस चीज पर लगेगा? एक, हम लोग जो चढ़ेंगे उसका लोड नीचे की ओर लगते रहेगा, वेट। दूसरा, ये जो गुब्बारा है, ये जो इतना बड़ा बड़ा गुब्बारा बना होता है जिसमें हमारे घर भी आ सकते हैं, छोटे छोटे मोटे घर, बहुत बड़ा बड़ा गुब्बारा होता है, ठीक है। तो उस गुब्बारा का जो बनाने के लिए जो रबर मटेरियल यूज किया गया वो भी करीब 100 किलो 50 किलो का होता है। ऐसा मैं गोवा में देखा था, उसको ये लोग रिक्शा भान पर रख करके रबर को ले जाके जाते हैं, इतना हैवी होता है। तो उसके मास को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए मैं मास ऑफ रबर लिखा हूं, प्लस इस बलून जो काफी बड़ा होता है इसके अंदर, हाँ बेटा सही बोल रहे हो, धमाल फिल्म में दिखे। और ये जो इसके अंदर में जो आपको गैस भरा हुआ है वो गैस का भी तो कुछ मास होगा, और इसीलिए टोटल मिलाकर लिखिए मास ऑफ रबर प्लस मास ऑफ गैस इंटू जी, मास ऑफ रबर प्लस मास ऑफ गैस इंटू जी। अब बोलिए दिक्कत, फोर्सेस आपको समझ में आ गया? तो इसका लोड और रबर और गैस दोनों का लोड, ये सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इन सभी को बैलेंस कौन करेगा? फोर्स ऑफ बायंसी। इन सभी को काउंटर बैलेंस कौन करेगा? फोर्स ऑफ बायंसी। चलिए डायग्राम बनाया जाए, फिर कैलकुलेशन का पार्ट करते हैं। प्लीज डायग्राम बनाइए आप लोग। नोट कर लिए, वॉइस नहीं जा रहा है, यहां तो दिखा रहा है कि वॉइस जा रहा है। चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन का पार्ट करते हैं। मैं इस पार्ट को मिटाता हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए, और अपलिफ्टिंग फोर्स ऑफ बैलेंसिंग मस्ट बी इक्वल टू एम आर प्लस एम जी इंटू जी प्लस एम इंटू जी। ध्यान दें, मास ऑफ रबर है, मास ऑफ गैस है, और ये मास है पेलोड वाला, ठीक है। हमें पेलोड ही निकालना, तो निकालने के पहले हम लोग एम जी लिखते हैं। एम जी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एम आर प्लस एम जी इंटू जी।
और पेलोड जी सकोरे में डिवाइड कर दीजिए, एफबी बाई जी माइनस एम आर प्लस एम जी। देखिए फोर्स ऑफ बायंसी क्या होगा, फोर्स ऑफ बायंसी क्या होगा, फोर्स ऑफ बायंसी होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। तो पहले वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर कितना होगा, गुब्बारे के वॉल्यूम के बराबर। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर कितना होगा, गुब्बारे के वॉल्यूम के बराबर इनटू एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर ये है, डेंसिटी ऑफ एयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ एयर आ जाएगा जो डिस्प्लेस हुआ है, इनटू जी डिवाइडेड बाय जी माइनस मास ऑफ रबर मटेरियल। तो रबर मटेरियल का मास कुछ फिक्स होता है, इनटू मास ऑफ गैस, गैस का मास कितना होगा, तो गुब्बारे का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ गैस के बराबर हो। यहां जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे वीबी कॉमन हो जाएगा इनटू रो ऑफ एयर माइनस रो ऑफ गैस माइनस एम आर। दिस इज आवर पेलोड, और ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। अगर हमें मास ऑफ रबर मटेरियल इज नेग्लिजिबल, ये भी क्या है, बलून का वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ एयर है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस है एम आर। एक चीज बताओ, गुब्बारा तभी उठेगा जब ये पॉजिटिव होगा, गुब्बारा तभी उठेगा जब ये पॉजिटिव होगा, और इसको पॉजिटिव होने के लिए ये देखिए माइनस साइन लगा हुआ, नेगेटिव है, माइनस साइन लगा हुआ, इसको कौन पॉजिटिव करेगा, रो एयर पॉजिटिव करेगा। यानी कि इन ऑर्डर टू बी द पेलोड पॉजिटिव, डेंसिटी ऑफ एयर मस्ट बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द गैस इनसाइड द बलून। यानी कि इस गुब्बारे के बाहर का जो एयर होना चाहिए वो हैवियर होना चाहिए, और गुब्बारे का अंदर जो होना चाहिए पार्ट वो लाइटर होना चाहिए। समझ गए, गुब्बारे के बाहर का पार्ट हैवी होना चाहिए मतलब एयर वगैरह, और गुब्बारे के अंदर का पार्ट जो गैस अंदर भरा हुआ गुब्बारे में वो आपको हल्का होना चाहिए। कई बार जब हम लोग मेला जाते हैं, छठ वगैरह इस समय मेला लगता है, तो छोटे छोटे बच्चों को मेला में गुब्बारा बेचने वाला एक गुब्बारा इस तरह का भी बेचते रहता है जो अगर बच्चों के हाथ से छूट गया अगर उसका धागा तो हवा में उड़ जाता है और फिर पकड़ में किसी से नहीं आता। वो करता क्या है कि हवा, हवा का डेंसिटी से हल्का गैस हीलियम मीथेन इन सब गैस को उसमें भर देता है, और वो सब गैस जो गुब्बारे के अंदर भरा जाता है वो हवा से हल्का होता है, और इसी कारण से वो उस गुब्बारे को उठाकर और ऊपर हवा में ले जाता है। समझ गए, तो उसमें कई गैस जो जिसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू 29 से एयर के ग्राम, एयर गैस का जीएमएम का वैल्यू 29 के अराउंड होता है। तो इस 29 से कम जीएमएम वाला कोई भी गैस लीजिएगा वो गुब्बारा को ऊपर उड़ा देगा। मीथेन लीजिएगा 12 और 4 16 उड़ा देगा, हीलियम 4 होता है उड़ा देगा, अमोनिया 17 होता है उड़ा देगा। तो हवा से कोई भी हल्का गैस लीजिएगा, वैसा कोई भी गैस आप ले लीजिए जिसका जीएमएम का वैल्यू 29 ग्राम पर मोल से कम हो, सारे आपको उड़ेंगे, ठीक है। अब रहा अगर आपको ये नेग्लिजिबल रहा या क्वेश्चन में एमआर का वैल्यू ना दिया हुआ तो इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, इनके वैल्यूज को रखिए तब भी आपको पेलोड आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि ये सब का कैलकुलेशन 1000 किलो 500 किलो है और ये 10 किलो, मान लो ऐसा केस है, ये 1000 किलो 500 किलो ऐसे ऐसे कैलकुलेशन चल रहे और ये 5 और 10 किलो, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अक्सर हम लोग एक रूल बना लेते हैं कि जब क्वेश्चन में रबर मटेरियल का या बलून का मास ना दिया हुआ तो उसको सीधे हम लोग 0 मान के सोल्व करें। तो क्या इससे आप कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं पेलोड कैपेसिटी, यही है इसका डेरिवेशन, नोट करिए आप लोग।
नोट कर लिए, अब आप लोग क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए। Balloon of volume four one nine zero meter cube calculate its payload if it is filled with helium at 1 atm degrees Celsius. Density of air is 1.2 kg per meter cube. इस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो, प्रेशर है, GMM है, डेंसिटी, R का वैल्यू 8.314, सब कुछ SI यूनिट में यूज करिए।
इसको सॉल्व करने से डेंसिटी ऑफ हीलियम आता है 0.081 ग्राम पर लीटर। यूज करके देखिए, चलिए कैलकुलेट करते हैं। इसको एसआई यूनिट में पहले किया जाए, केजी में करने के लिए 10^-3 से डिवाइड करिए,
और इसको भी केजी मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इससे डिवाइड करें, यानी 0.081 केजी पर मीटर क्यूब। 0.081 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं पेलोड वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ गैस माइनस मास ऑफ रबर, ये दे दिया है 100 kg। सब वैल्यू पुट किया गया 4190 डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 माइनस 0.081 माइनस 100 kg। कैलकुलेशन है बस, 1.2 माइनस 0.0821 इंटू 4190 माइनस 100 4584 केजी तक आपको उठाएगा। मतलब समझिए करीब 70-80 किलो का अगर कोई रहेगा तो 100 करना 50 लोगों को उठा सकता है 70-80 किलो वालों का। क्या फॉर्मूला से डेंसिटी अलग रहा है? अरे बेटा मैं फॉर्मूला से इस्तेमाल करके ही निकाला हूं, कैलकुलेशन क्रॉस चेक करिएगा ठीक आ जाएगा। ये जो मैं निकाला हूं ना वो इसी फॉर्मूला से निकाला। पी 180 रखना है, ये दिया हुआ है, पी इसमें 180 रखना है, एम 2 ग्राम पर मोल रखना है, डी निकालना है, आर 0.0821 रखना है। चूंकि मैं लीटर को यूज कर रहा हूं इसमें 0.082 और टी 300 केल्विन यूज करी, आ जाता है, मैं सोलो करके देख लिया। ठीक है, हाँ ओ सॉरी M4 होगा, मैं 2 लिया, यस ये मिस्टेक हुआ है, M4 होगा तो इसका दुगना लेना होगा, M4 लेना होगा, सही बात है, मैं 2 ही लिया। जी ये आ जाएगा आपको 0.162 और 0.162 और ये आ जाएगा 1.2 माइनस 0.162। फोर टू फोर नाइन केजी, सही बोला हूं, ठीक है। आज यहां पर रुकते हैं, आपको असाइनमेंट दिया गया है उसमें 10 से 15 क्वेश्चन रोज बनाइए, ठीक है, आज यहां पर रुकते हैं, थैंक यू ऑल।